नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले से। प्रस्तुत है गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। जी हां, नर्मदा जिले में 221 सस्ता राशन कार्ड की दुकान से अंत्योदय परिवार को निशुल्क अनाज वितरण का कार्य प्रारंभ किया गया है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन की परिस्थिति को लेकर गरीब लोगों को निशुल्क राशन देने का आदेश दिया है, जिसको लेकर नर्मदा जिले में कलेक्टर श्री मनोज कोठारी के मार्गदर्शन से जिला पूर्वड़ा तंत्र द्वारा नर्मदा जिले में सस्ते राशन की दुकान पर से निशुल्क गेहूं, चावल, शक्कर, दाल और नमक का वितरण किया गया, जो कि 3 अप्रैल 2020 तक पूरे नर्मदा जिले में वितरण का कार्यक्रम चलेगा। सुचारू रूप से वितरण हो सके इस हेतु जीआरडी के जवानों को भी कानून व्यवस्था का पालन करने हेतु तैनात किया गया था और सोशल डिस्टेंस का पालन होते हुए देखने को मिला। हर एक दुकान के बीच दो दो घंटे के समय में लोग अनाज लेने के लिए आए, ऐसी व्यवस्था की गई थी। वहीं दूसरी ओर नर्मदा जिले के गरुड़ेसर तहसील के कोठी केवड़िया गाँव में आज लॉकडाउन की स्थिति में स्टैचू ऑफ यूनिटी के कुछ लोग अनाज वितरण करने के लिए आए थे, जिसको लेकर गांव के लोगों का कहना है कि जिन गरीब पात्र लोगों को अनाज मिलना चाहिए, उन सही पात्र लोगों को अनाज नहीं मिला है और दूसरे लोगों को अनाज वितरित कर दिया गया है, जिसको लेकर गांव के लोगों में रोष की लहर फैली हुई देखने को मिली है। नर्मदा से गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। हम यहाँ पर नर्मदा जिले के गरुड़ेसर तहसील के कोठी केवड़िया गांव में आए हैं। आइए, हम यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर एक टाटा विंगर जो गाड़ी है वो अनाज वितरण करने के लिए यहाँ पर कोठी गांव में आई हुई है। हमारे साथ यहाँ पर कोठी गांव के कुछ ग्राम लोग जुड़ चुके हैं। आइए, हम उनसे भी इसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है आंटी आपका? आपको अनाज मिला? नहीं। क्या नाम है आपका? आपको अनाज मिला? नहीं। क्या नाम है आपका? भाई दादू भाई। आपको अनाज मिला? नहीं सर। क्या नाम है आपका? आपको अनाज मिला? नहीं। क्या नाम है आपका? आपको अनाज मिला? क्या नाम है आपका? आपको अनाज मिला? क्या नाम है आपका? आपको अनाज मिला? तो ये है यहाँ पर नर्मदा जिले के गरुड़ेसर तहसील के कोठी गांव के लोग, जिन लोगों का कहना है कि आज यहाँ पर एक जो टाटा विंगर जो गाड़ी है वो यहाँ पर लॉकडाउन की परिस्थिति में गरीबों को अनाज वितरण करने के लिए आई है, लेकिन यहाँ पर तो हम लोगों को अनाज ही नहीं मिला है। हम ऑफिस की तरफ से हैं, ऑफिशियल ड्यूटी है। तो आपको यहाँ पर आप यहाँ पर कैसे कैसे लोगों को अनाज वितरण करते हो? लिस्ट के समय तो सर वो लिस्ट आप दिखा सकते हो? अभी लिस्ट हमने आपको दिखा, कहना है कि हमको हमारा काम करने दीजिए। हमने उसको बार बार कहा यहाँ पर कि सर आप यहाँ पर अनाज वितरण के लिए जो लिस्ट लेके आए हो वो लिस्ट यहाँ पर जनता दिखना चाहती है, लेकिन वो बताने से इनकार कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो लोग हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के लोग, वो यहाँ पर दानवीर कर्ण की भूमिका बजाने के लिए आए हैं। हालांकि गाँव लोगों की कंप्लेन आई है यहाँ पर कि हम लोगों को यहाँ पर अनाज नहीं मिल रहा है। एक तरफ से सरकार गरीब की मदद कर रही है और दूसरी तरफ ऐसे ही लोग हैं जो गरीबों को जो अनाज जो सही जगह पर सही ठिकाने उसको मिलना चाहिए उसी जगह पर नहीं मिलता। और हमने बार बार उनसे कहा, पूछने का प्रयास किया कि आपके पास जो लिस्ट है वो लिस्ट हमको दिखाइए, लेकिन उन्होंने लिस्ट दिखाने पर भी मना कर दिया। इंडिया खबर लाइव से मैं गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा।